करते हैं कि यार ये वर्ल्ड कप में डिलीवर करेंगे, इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर फायदा कुछ नहीं ना उस प्लेयर का। अच्छा ये स्पिन विकेट अगर बना दे तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा शादाब खान के लिए, फॉर्म में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्पिन नहीं मिल रही शादाब खान को। नहीं नहीं देखिए, शादाब खान का मसला ये है, मैं आपको बता दूं, वो तो अगर आप उसको इस तरह से देखें, अगर स्पिन विकेट पूरी बन जाती है तो शादाब को हेल्प तो मिलेगी, लेकिन वो तो इंडिया अपने नजरिए से देखती है ना कि उनके पास ज्यादा भारी स्पिन अटैक है। लेकिन शादाब का मसला ये हो रहा है कि देखिए, मुझे कभी कभी ये लगता है कि फील ये है कि यार कुछ प्लेयर ऐसे हैं इस टीम में जो कि मतलब जो है ना, जिनके जहन में चीज बैठी हुई कि हम कुछ कुछ भी हो जाए हमें कोई नहीं निकालेगा टीम से। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि शादाब को आप अगर अगले मैच में भी, वो इंडिया के खिलाफ तो खैर मैं नहीं उसको बिठाऊंगा, लेकिन ये कि अगर इंडिया के मैच में भी वो नहीं परफॉर्म कर पाता तो फिर उसको आप बिठाए दो तीन मैचेस, कि उसको भी थोड़ा सा मतलब पता चले कि हाँ यार अगर मैंने टीम में आना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो वो बॉलिंग कर रहा है, वो और नवाज जिस टाइप की बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग में मतलब वो जो आप कहते हैं ना ड्रिफ्ट आती है और एक स्पिनर का जिस तरह से होता है सिलसिला, वो चीजें नजर नहीं आ रही। वो मतलब वो T20 वाली बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट ले नहीं रहे प्रॉपर तरीके से जिस तरह एक स्पिनर को लेनी चाहिए। तो उसमें हो ये रहा है कि रन भी वो कंसीड कर देते हैं, विकेट भी नहीं ले पाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए मिडिल ओवर्स में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार मैंने जैसे अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि बॉलिंग पे, अब ये इंडिया के मैच से पहले हमें बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि बॉलिंग में हमारी क्या खामियां आ रही है और क्यों जो है हमारे जो और जिस तरह विक भी आप शादाब खान की बात भी करें ना, दो लास्ट दो मैचेस में 16 ओवर उन्होंने किए हैं, 100 रन दिए, सिर्फ दो खिलाड़ियों को आउट किया। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतना गैम्बल शायद पाकिस्तान ना करे शादाब को ड्रॉप करने का, वो भी इंडिया जैसे मैच में, लेकिन पहले आपको याद होगा वर्ल्ड कप से स्टार्ट में सऊद शकील ने परफॉर्म किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जैसे कल भी आप बात कर रहे थे, उनको आजमाया वो चल गए, अब्दुल्ला शफीक को आजमाया फखर के वो चल गए। तो कर लें गैम्बल, क्या है फिर उसामा मीर के साथ भी कर सकते हैं, इंडिया के खिलाफ ट्राई कर लें उनको, कर सकते हैं। लेकिन उसामा मीर का भी जो मसला वही है ना, हम उसामा मीर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं ना, आपने उसको रखा हुआ है स्पेशल स्पिनर टीम में। वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि यार हमारी प्रेफरेंस तो अबरार अहमद है, लेकिन ठीक है अब उसामा है। लेकिन उसामा मुझे तला टू बी वेरी ऑनेस्ट 50 ओवर्स का मतलब वो क्वालिटी बॉलर नहीं नजर आता है जो कि वो T20 का, वो इतनी T20 क्रिकेट खेलता है कि वो यूज हो चुका है T20 क्रिकेट खेलने के। तो जब आप इतनी T20 क्रिकेट खेलते हैं तो ये बड़ी एक नेचुरल सी चीज है कि जब आप 50 ओवर्स लंबी क्रिकेट खेलने आते हैं तो वो T20 वाली बॉलिंग का असर कहीं ना कहीं आपको आता है आपकी बॉलिंग में। तो आई डोंट नो कि उसामा इतना भी मतलब तगड़ा बॉलर है कि उसको आप इंडिया के सामने